मेरा नाम है नितिन कुमार और ये है टाटा नेक्सोन। आज हम इस वीडियो में इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स इस कार के आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर में मिलेंगे, आज सब कुछ इस कार के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम। ये इसका XM वेरिएंट है और ये रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। कुछ इस तरह के आपको हैंड लैंप मिलेंगे, प्रोजेक्टर हैंड लैंप मिल जाएगी इस कार के आपको, और DRS भी मिल जाएंगे। नीचे की साइड आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे और फोरलाइन की आपको हाउसिंग मिलने वाली है, और पियानो ब्लैकनेस की आपको ग्रिल मिल जाएगी, और बीच में आपको टाटा का लोगो मिलने वाला है, और नीचे की साइड आपको ब्लैक स्क्रिप्ट प्लेट मिलने वाली है। और मैं अब बात करता हूँ इस कार की साइड प्रोफाइल के बारे में। कुछ इस तरीके की लगती है साइड में देखने में ये कार। स्टील व्हील मिल जाएंगे आपको इस कार में 16 इंच की, और ऊपर की साइड आपको रूफ रेज मिल जाएंगे। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल, आपको इस कार में ऊपर की साइड एंटीना मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके का दिखता है इसका इंडिकेटर। इंडिकेटर में आपको बल्ब मिल जाएंगी, और बीच में टाटा लोगो दिया गया है, और स्पेस देकर नीचे साइड नेक्सोन लिखा गया है। रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे आपको इसमें, और पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे आपको इसमें। अब मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ कैसे दिखता है इसका अंदर से इंटीरियर। और ये रहा इस कार का डोर, चारों पावर डोर कंट्रोल मिल जाएंगे आपको इसमें, लॉक और अनलॉक का मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। बीच में आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो, और स्टीयरिंग पर आपको पियानो ब्लैकनेस मिल जाएगी इसमें। और मैं आपको इस कार का इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर दिखा देता हूँ कैसा आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर मिलता है इस कार में, और आपको इसमें 2 AC वेंट मिल जाएंगे। चलो अब मैं इस कार की बैक सीट पर बैठ कर दिखाता हूँ कैसा दिखता है इसका बैक सीट पर बैठ कर व्यू, और बैक सीट पर बैठ कर कुछ इस तरीके लगता है इस कार का डैशबोर्ड। और ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे आपको इसमें, और काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपको इस कार में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।